अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज कॉरपोरेटर मुजम्मिल डोनी और खंजर गली की जमात के जिम्मेदारान की जानिब से कॉरपोरेशन कमिश्नर रुद्रेश घाड़ी से मुलाकात फरमाकर खंजर गली में खाऊ कट्टा बनाने का प्रोजेक्ट पेश किया गया। वाजर है, इससे पहले इस प्रोजेक्ट को पेश किया गया था, लेकिन इस पर कॉरपोरेशन की जानिब से संजीदगी से तवज्जो नहीं दी गई। मुजम्मिल डोनी ने खाऊ कट्टा फूड कोर्ट के तफसीलात पेश करते हुए कहा कि खंजर गली जहां पार्किंग की जगह मुकर्रर की गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही से नहीं हो पा रहा, लिहाजा सिटी खाऊ कट्टा बनाकर कॉरपोरेशन के लिए भी आमदनी का जरिया बन सकता है। करोड़ों की आमदनी के साथ लोगों को एक तरह से रोजगार भी यहाँ हासिल हो सकता है, ऐसा कॉरपोरेटर मुजम्मिल डोनी ने बताया। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। 6 तारीख को भी हमारे डिस्कस हुआ था कि हमारे वार्ड के अंदर कॉरपोरेशन के लैंड बहुत है, तो मेरी इनको रिक्वेस्ट थी कि जो बजट आ रहा है, बजट सब लोग बोल रहे हैं कि रोड गटर पानी तो हमेशा होते रहता है और स्मार्ट सिटी में भी काम हो रहा है, मेरी रिक्वेस्ट उतनी है कि हमारे कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी हमारे, जैसा कि ग्रीन टच होटल के सामने एक लैंड है और उसके बाद में अपोजिट खंजर गली टॉयलेट्स है, फिर क्वार्टर्स है, उधर एक अच्छे एक जैसा सिटी खाओ खट्टा अगर बनाएंगे तो मेरा अंदाज़ा है कि अभी 40 शॉप्स हो चुके हैं, 40 शॉप्स का 1,20,000 रुपये भाड़ा चलो है कॉरपोरेशन को, और भी एक 60 शॉप होंगे उधर, तो मेरा अंदाज़ा है कि मंथली उधर कम से कम 100 शॉप्स को 5,000 रुपीज़ के हिसाब से भी पकड़ेंगे तो मंथली कम से कम एक 5 लाख और ईयरली 60 लाख रुपीज़ होगा, तो आने वाले दिन में हमें वार्ड डेवलप करने के लिए वार्ड बजट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि अभी मेरा उनको ये था कि ये वार्ड बजट के अंदर ये जो हमारा जो बजट है इसके अंदर कम से कम हमें 1 करोड़ रुपए दे, 1 करोड़ रुपए अगर वो हमें देंगे हमारे वार्ड को डेवलप करने के लिए, तो आने वाले दिन में मेरा अंदाज़ा है कि 3 साल में 1.80 हो गया हमारे पास आएगा, उल्टा कॉरपोरेशन को 80 लाख रुपीज़ प्रॉफिट के साथ में आएगा। और दूसरा पब्लिक को उसके अंदर फ़ायदा क्या है बोले तो 100 शॉप्स उधर अगर होंगे तो जो भी उधर का एक भी आदमी अगर एक शॉप के अंदर या होनर होके लेता है या लेबर होके जाता है या हेल्पर होके उधर जाता है तो कम से कम एक फैमिली का उधर गुजारा चलेगा, 100 पीपल का ये होता है एक। और दूसरा जो आजू बाजू का जो माहौल है, जैसे कि उधर ये जैसा कॉरपोरेशन में कार पार्किंग के लिए रखे लेकिन अभी तक वो यूटिलाइज नहीं किए, पार्किंग होने से वहाँ पर रोड भी छोटे हैं, पार्किंग नहीं हो सकता, और एक सिटी खाओ कट्टा जैसा कि हमारे पास फोटोज सिटी खाओ कट्टा अगर होएगा वहाँ तो आने वाले आजू बाजू की जो प्रॉपर्टी का जो लैंड है ये है रेट है वो बढ़ेगा, तो हम एक हमारी सोच के हिसाब से एक प्लान बनाए कमिश्नर साहब को दे है कि ये बजट के अंदर 1 करोड़ रुपए हमें एक हमारे वार्ड के लिए सेविंग्स रखे करके बोल के हमारी एक रिक्वेस्ट, हमारे जमात वाले सब लोग हैं साथ में, सब लोग साथ दे रहे हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। सर वो सर सर पूरा जो भी जो हमारा कॉर्पोरेशन का लैंड है वो टोटल पूरा डेड है, अगर ये करने से पूरा कमर्शियल उधर का पूरा प्रॉपर्टी डेवलप होता है और कॉर्पोरेशन को भी इनकम होता है, वहाँ के लोगों को रोजी मिलता है, माहौल सुधरता है उधर का। ये 4 रोड के बीच में सर एकदम कमर्शियल प्रॉपर्टी है, 4 रोड मिलता है उसको सर, शनवार कोट कचेरी रोड खंजर गली पंडारसा गली ये प्लान है सर। लेटर इतना शॉप लेटर है यहाँ पे सर हमारे हिसाब से 25 है। आप सर लास्ट टाइम मीटिंग में भी डिस्कस हुआ ये प्रॉपर्टी जो है फ्लैट जो है कॉरपोरेशन का है, तो आपके बजट के अंदर 1 करोड़ रुपए सेविंग्स करके इसको बनाए तो बहुत अच्छा होगा सर, और हमारा अंदाजा है कम से कम अभी आप चालू के अंदर का कम से कम 1 लाख रुपए भाड़ा चालू हो गया, ये भी 2 लाख रुपए तक भाड़ा चल रहा था कॉरपोरेशन को 3-4 लाख रुपए भाड़ा ज्यादा करने नहीं छोड़ते नहीं अभी वो मैटर अलग था, नहीं सर वो मैटर अलग था। सर एक तो ये है, इसके अलावा 400 फुट ऐसा
मेन रोड और 30 फीट ऐसा उसमें हमारे क्वार्टर्स बोले तो पूरे गिरने वाइज क्वार्टर्स है, टॉयलेट्स है और वो डेड है पूरा। कौन सा डिपार्टमेंट है पूरा? क्या बोले? कॉर्पोरेशन की हमारा। हाँ तो पूरा गाँव में पूरी हाईवे नहीं होता तो वो भी सर हमारा टेलरिंग लाइन बहुत अच्छा है। अगर वो भी अगर 10-15 उधर टॉयलेट्स भी है वो टॉयलेट्स लोगों को उधर से ये करके वो पूरा जगह में अगर मेरे हिसाब से कम से कम 40 शॉप्स उधर भी उड़ते हैं और टेलरिंग लाइन बहुत अच्छा है सर उधर। ऐसा 30 है, ऐसा 400 फीट है ये प्रोजेक्ट के बारे में आप उसको भी यूज में लेंगे तो कम से कम उसका भी रेनो पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अभी अंदर बनाए से 40 और ये 25 और उधर 40 बोले तो 100 शॉप को 5,000 रुपये के हिसाब से आप रेंट लगाएंगे तो मेरे हिसाब से मंथली हमारे को उधर 5 लाख रुपीज़ इनकम होता है, ईयरली 60 लाख रुपीज़। 3 साल में हमारा सर पैसा भी निकलता है। बहुत अच्छा है सर, बहुत आपका भी एकदम सर आपकी बेड में होना आपकी बेड में होता अच्छा सिटी खाओ खटा करके लास्ट में काउंसिल में भी डिस्कस हुआ है। तो हमारे सबकी रिक्वेस्ट क्या है कि अभी जो वार्ड बजट है अपना 23-24 का जो बजट ये है उसके अंदर एक करोड़ रुपए तक है, इसको अगर सेविंग्स रखेंगे क्यों बोलते हैं कॉर्पोरेशन का प्रॉपर्टी है। ये मेन रोड पे है, शनवार फुट्स को अटैच होता है, शनवार फुट है खंजर गली इधर से भंडारशाह गली बोल के 4 गली के बीच में है मैडम। तो कॉर्पोरेशन का अगर इधर पैसा अगर लगेंगे आप 1 करोड़ रुपये जैसा कि अभी उधर 40 शॉप्स है उधर से हमारे को 1,20,000 रुपीज आ रहा है रेंट, इसको भी आएगा और भी अंदर टेलरिंग शॉप है। तो हमारा एक प्रपोजल ऐसा है कि 100 अगर उधर शॉप अगर बैठ रहे 5,000 के हिसाब से मंथली 5 लाख रुपीज कॉर्पोरेशन का इनकम होगा तो ईयरली 60 लाख जो भी हम जो बजट लगाते हैं 3 साल में हमारा बजट भी वापस आता है और वहाँ का मार्केटिंग भी सुधरता है और 100 शॉप्स के अंदर उधर के जो लोग हैं उनको एक रोजी उधर मिलता है, एक रोजगार मिलता है। तो हिसाब से बाकी के भी ऐसा प्लान बने तो ये बजट के अंदर उसको 1 करोड़ रुपये कम से कम सेविंग्स। जितना जल्दी हो सकता है इसको सैंक्शन कराने की लोगों को रोजगार भी मिलेगा मैडम, अच्छा रहेगा, माहौल भी अच्छा रहेगा, बिजनेस भी डेवलप हो जाएगा। वेल था, पुराना वेल था, कितने बहुत साल था, उस टाइम को हमारे को वेल का ये करके दिए और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स गए थे हम। तो ये टाइम में अगर चाहे ये रहेगा तो कॉर्पोरेशन का ग्रोथ भी होता है, इनकम भी बढ़ता है। हाँ और कैसे है मैडम, हम क्या बजट के बारे में हमेशा मैं देखा हूँ पिछले 15 साल से बजट लास्ट टाइम में जब 27, 28, 29 जब डेट आती है उस टाइम में हम कॉर्पोरेशन में जो हमारे जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी देने के लिए इधर पैसा नहीं रहता। तो मैं क्या रोड गटर पानी तो अभी स्मार्ट सिटी के अंदर हो रहा है ये बजट के अंदर, ये मेरा ही वार्ड करके बोल के 58 वार्ड के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज कॉर्पोरेशन के लैंड्स है उसको उधर करके एक सोर्स ऑफ इनकम अगर होगा तो कॉर्पोरेशन का भी ये चलेगा।